अमेरिका का अटलांटा शहर जल रहा है। सड़कों पर भारी गुस्से में प्रदर्शनकारी हैं, क्योंकि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में चल रहे हैं विरोध प्रदर्शन। इन विरोध प्रदर्शन के बीच एक और अश्वेत नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी और भड़क उठे। मामला बढ़ता देख अटलांटा पुलिस चीफ ने इस्तीफा भी दे दिया है। अब पुलिस ने वीडियो जारी किया है। जारी की गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक व्हाइट कलर की गाड़ी में बैठे रेशार्ड ब्रूक्स से पुलिस ने पहले पूछताछ की और फिर जाने को कहा, लेकिन ब्रूक्स पुलिस के आदेशों को नजरअंदाज कर आसपास ही गाड़ी पार्क करता रहा, जिसके बाद पुलिस को संदेह हुआ। ब्रूक्स नशे में था और पुलिस से लगातार उलझ रहा था। पुलिस इसे पकड़ रही थी, लेकिन ब्रूक्स पुलिस से भागने लगा। इस बीच पुलिस और ब्रूक्स के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। ब्रूक्स पुलिस की टासेर लेकर भागने लगा। इस दौरान ब्रूक्स पुलिस पर टासेर तान देता है। पुलिसकर्मी किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन कार से टकराने के बाद पुलिसकर्मी गिर जाता है। इसके बाद पुलिसकर्मी भी ब्रूक्स पर फायरिंग करता है। फिर घायल अवस्था में ब्रूक्स को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सर्जरी के बाद ब्रूक्स की मौत हो जाती है। पुलिस की माने तो ब्रूक्स एक रेस्टोरेंट के बाहर कार में सो रहा था। ब्रूक्स की वजह से दूसरे कस्टमर्स को दिक्कतें हो रही थी। इस वजह से रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने पुलिस से शिकायत भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने ब्रूक्स को पकड़ना चाहा। आपको बता दें कि अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद नस्लभेद के खिलाफ प्रदर्शन हर रोज और तेज होता जा रहा है। यहां अमेरिका के नस्लभेदी इतिहास के निशान को मिटाने के नारे उठ रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर लात रख दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। Thank you.